श्रवण यह परख कहानी नाथ तुम्हार सत्य मम बानी यह प्रगटे अथवा द्विज सापा सुनु भानु प्रतापा आन उपाय निधन तव नाही जौ हरि हर को बही मन माही सत्यनाथ पद गही द्विज गुरु को कहु को राखा राखे गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जग त्राता जौन चलब हम कहे तुम्हारे हो नाश नहीं सोच हमारे एक ही जर जर पथ मन प्रभु महिदेव साप यति घोरा हो ही विप्रबस कवन विधि कहु कृपा करि तो तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखों को सियावर रामचंद्र की जय। राजा मैं इसी से तुम्हें मना कर रहा हूँ कि अगर ये बात तुम किसी से कह दोगे तो तुम्हारा बड़ा अमंगल अकल्याण हो जाएगा। ये बात जो मैंने कही है अगर छठे कान में पड़ गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये पहले से मैं ही साप दे देता हूँ, सत्य मम वाणी, ये मेरी वाणी बिल्कुल सच्ची है। अब षट कर्णों भिद्यते मंत्रः, ये जो नीति शास्त्र की मर्यादा है कि कोई भी सलाह अगर छठे कान में पहुंच गई तो वो फूट जाती है, फैल जाती है, फूट जाती है। तो बात तो उसने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कही, इसलिए राजा को भी मान्य हो गई कि महाराज तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन उसने साफ कह दिया कि सुनो भानु प्रताप, ये बात अगर तुम प्रकट कर दोगे तब भी तुम्हारा नाश हो जाएगा, और ब्राह्मण साप दे देंगे तब भी तुम्हारा नाश हो जाएगा। द्विज सापा, ये ब्राह्मणों के साप के प्रति इतना भय उत्पन्न कर रहा है, इतना डरा रहा है कि अगर कोई कभी गाली भी ब्राह्मण दे देगा तो इस बिचारे का दिल जो है वो टूट जाएगा। सो बोला कि आन उपाय निधन तो नहीं, दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, भले ही ब्रह्मा और शिव भी तुम्हारे ऊपर क्रोध करें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सो अब तो राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला कि महाराज द्विज ब्राह्मण और गुरु की कोप से भला कौन बच सकता है, कौन उसकी रक्षा कर सकता है। यदि विधाता कोप है, ईश्वर क्रोध करे, ब्रह्मा क्रोध करे, तब तो गुरु रक्षा कर लेता है, लेकिन यदि गुरु विरोधी हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है। सो यदि हम तुम्हारा कहना न माने और हमारा नाश हो जाए तो इसकी भी हमको कोई चिंता नहीं है। एक ही डर से मेरा मन बारंबार डरप रहा है कि हे प्रभु, ये ब्राह्मणों का जो शाप है ये बड़ा भयंकर होता है, सो ब्राह्मण किस विधि से बस में होंगे, उनका वशीकरण कैसे होगा। ये वशीकरण जो है ना, ये अभिचार है, हो किसी को बस में करने के लिए कोई टोना टोटका यंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए। सो अब आप कृपा करके वो उपाय भी बताओ, क्योंकि तुम तो बड़े दीन दयाल हो और तुम्हारे सरीखा हमारा भलाई चाहने वाला और कोई नहीं है। सुनु नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि मोहि बिनाही अहे एक यति सुगम उपायी तहां परंतु एक कठिनाई मम याधीन जुगुति नृप सोई मोर जाब तव नगर न होई आज लगे अरु जबते भयं काहू के गृह ग्रामन गयं जौन जाऊं तब होई अकाजा बना आई असमन। सुनि महेश बोले मृदु बानी नाथ निगम असनीति बखानी बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरि निज जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरन भरत सिर रेनु अस कहि गहे नरेश पद स्वामी हो कृपालो मोहि लाग दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल सियावर रामचंद्र की। अब वो महात्मा जो है वो बोले कि देखो राजा,
संसार में ब्राह्मण को वश में करने के लिए यत्न तो बहुत हैं, लेकिन उन वो बड़े कष्ट साध्य हैं और शंका ही होती है कि वो पूरे उतरें कि न उतरें। एक बड़ा सुगम उपाय है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। वो कठिनाई क्या है? बोले वो जो युक्ति है वो तो मेरे हाथ में है, और मैं नगर या गांव में, तुम्हारे नगर में मैं जा सकता नहीं। ये महाराज एक बतलाया है शास्त्र में कि दंभ तो बहुत तरह के होते हैं। शास्त्र में जप दंभाः, तपो दंभाः, ध्यान दंभास्तथैव च, बहुत लोग होते हैं जो कोई माला फेरने का दंभ करते हैं, कोई तपस्या का दंभ करते हैं, कोई ध्यान का दंभ करते हैं, किंतु सर्वे निष्प्रिय दंभस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। तो निष्प्रियता का जो दंभ है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, इसके 16वीं कला के बराबर भी और कोई दंभ नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं महाराज। सो मोर जाब तव डगर न होई, देखो दंभ का रूप, आज लगे अरु जबते भयऊ काहू के गृह ग्रामन गयऊ। आदि सृष्टि जब मेरे सामने पैदा हुई थी, आदि सृष्टि मैंने देखा कि ब्रह्मा कैसे पैदा हुए और उन्होंने कैसे दुनिया बनाई, और शंकर कैसे पैदा हुए, विष्णु कैसे पैदा हुए, मैंने सब देखा है। लेकिन तब से आज तक मैंने किसी के गांव में या किसी के घर में कभी गया नहीं हूँ। देखो ये दम भी है ना, और यदि तुम्हारे घर न जाऊं तो बड़ा अमंगल होगा, इसलिए बड़ा असमंजस, बड़ी असंगति ये एक हमारे जीवन में आ गई है, बड़ी अटपटी बात आ गई है। सो ये सुनते ही महाराज राजा तो बड़ी नम्रता से मृदुवाणी बोला कि हे नाथ, वेद ने ऐसी नीति वर्णन की है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही। ये दृष्टांत अलंकार इसको बोलते हैं, हो नारायण दृष्टांत ही दृष्टांत दे रहे हैं। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। बड़े जो होते हैं वो लघु पर स्नेह करते हैं, और देखो बड़े बड़े पहाड़ अपने सिर पर तृण को धारण करते हैं, और जलधि अगाध मौलि बह फेनु। ये समुद्र बड़ा अगाध है लेकिन सिर पर अपने फेन बहता है। संतत धरनि धरत सिर रेणु, और ये धरती जो है वो सदा सिर पर रेणु धारण करती है, धूल को धारण करती है। अब ऐसा कह करके तो महाराज राजा ने उनका पांव पकड़ लिया, बोले स्वामी कृपा करो, मेरे लिए दुख सहो, आप बड़े सज्जन हैं, दीन दयाल हैं, मेरे घर चलिए। जान इंद्र पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज में करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत ते होरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फले तब ही जब करिय दुराऊ। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सब मोहि जानन कोई। अन्न तो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। पुनि तिन के गृह जेवै जो, तब बस होई भूप सुन को। जायु बायर चहु द्रिपयेहु, संबत भरि संकल्प करे हो। नितनूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। संकल्प लगे दिन ही गर्भ जोनार, चंद्र की जय। जब देखा उस तपस्वी ने कि राजा तो अब अपने अधीन हो गया, तो बड़ी कपट प्रवीण था वो। उसने कहा कि राजा तुमसे सच कहता हूँ, तुम सुनो, मेरे लिए जगत में दुर्लभ कुछ भी नहीं है, सो मैं तुम्हारा काम अवश्य निश्चित रूप से बना दूंगा। और क्योंकि तू मन तन और वचन से मेरा भक्त है, जोग जुक्ति तपस्या और मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब उसको छिपा के रखा जाए, ये भी शास्त्र की बात है। बोला
सो यदि मैं चल करके तुम्हारे घर में रसोई बनाऊं और तुम उसको परसो और इस बात का पता किसी को न लगने पावे कि मैंने बनाई है, सो जो जो उस अन्न को खाएगा वही वही तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। अब ये ब्राह्मण को आज्ञाकारी बनाने की जो पद्धति है ना, ये असंगत है। मनुष्य को ब्राह्मण का आज्ञाकारी होना चाहिए, ब्राह्मण को आज्ञाकारी नहीं बनाना चाहिए, उसको सेवक नहीं बनाना चाहिए। बोले कि वशीकरण हो जाएगा और फिर वे तुम्हारे घर खाएंगे तो तुम्हारे बस में, और फिर उनके घर कोई खाएगा पूरी तिनके गृह जेवय, जो उनके घर में जो जेवन करे जेमन करेगा तो वो भी जो खाएगा वो भी बस में हो जाएगा तुम्हारे। सो ये राजा सुन लो, अब जा करके तुम एक उपाय रचो, संबत भर के लिए ये संकल्प कर लो कि रोज 100,000 नए नए ब्राह्मणों को भोजन करेंगे। जैसे राजा नृग रोज लाखों गौएं नई नई दान करते थे, वैसे का लाखों नए नए ब्राह्मणों को हम खिलावेंगे परिवार सहित। और मैं तुम्हारे संकल्प के को पूर्ण करने के लिए दिन दिन रोज रोज मैं ही लाखों ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाऊंगा। अब देखो भला एक आदमी लाखों ब्राह्मण के लिए कैसे भोजन बनावेगा, परंतु जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तब आदमी को कुछ सूझता नहीं है। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, विनाश काल आने पर असंभवम हेम कुरंग जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। नारायण, सोने का हरिण होना असंभव है, लेकिन फिर भी रामचंद्र के मन में ये ख्याल आ ही गया कि हमको ये हरिण मिले। नित अब यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, कोई है सकल विप्र बस तोरे, करी है विप्र हो ममक सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा, और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही बेशन आऊ बकाऊ, तुम्हारे ऊपर ओहित कहूं राया, हरियाणव में करी निज माया, तप बल तेही कर आप रखो यहाँ बरस परमाना, मैं धरी सासु बेस सुन राजा, तोर संवार अब काजा, गई निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि मोहि रूप भेंट दिन, मैं तप बल दुर्ग समेता, पहुँचई हों तो हत, मैं आऊग सोई बेश धरी, पहचानऊ तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं। इस प्रकार राजा थोड़े कष्ट में ही सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग होम यज्ञ सेवा इसी प्रसंग में करेंगे, तो ब्राह्मणों की तो बात क्या, सारे देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। मैं एक बात पहचान के तुमको बताता हूँ कि मैं इस देश में कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं माया करके तुम्हारे पुरोहित को हरण कर लूँगा और तपस्या के बल से उसको अपने समान बना करके यहाँ एक वर्ष तक रखूँगा, और मैं उसका वेश धारण करके राजा तुम्हारा काम सब तरह से संवार दूंगा। अब बहुत रात बीत गई, आप सो जाइए और हमारे तुम्हारे तब तीसरे दिन भेंट होगी, और मैं तपोबल से तुम्हें घोड़े सहित सोते समय तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, और मैं वही वेश धारण करके आऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना, जब एकांत में बुला करके और सब कथा मैं तुमको सुनाऊं। शयन की नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सो सोचय अधिकाई, काल के तुनि चरत आवा, जेहि सु परम मित्र ताप संद्रप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा, तेहि के सत सुत अरु दस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई, प्रथमहि भूप समर सब मारे, प्रसंत सुर देख दुखारे, तेहि कल पाछिल बयरु संहारा,
ताप सदृप मिली मंत्र विचारा यही रिपुछय सोई रचनी पाऊ भारी बसन जान कछुराऊ रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गनियन ताहु अजह दे दुख रवि ससी सिर अवशेषित राहु सियावर राम चंद्र की जय। आज्ञा मान के राजा ने तो शयन किया और वो जो छल ज्ञानी था कपटी मुनि वो जा करके आसन पर बैठ गया और राजा तो थके हुए थे, उन्हें नींद आ गई और उसके मन में तो बड़ी चिंता और विचार जाल उधेड़ बुन थी, वो भला कैसे सोच सकता है। सो उसी समय उसका जो मित्र था वो काल केतु नाम का निश्चर जिसने सुअर का रूप धारण करके उस राजा को बुलावे में डाल दिया था, वो तापस राजा का बड़ा भारी मित्र था और उसको बड़े बड़े कपट आते थे, उसके 100 बेटा और 10 भाई थे। ये काल केतु है महाराज, ये सत्य केतु के बेटे तो थे भानु प्रताप, और ये काल केतु था। सत्य केतु दूसरी चीज है और काल केतु दूसरी चीज है। काल केतु तो महाराज सारे जगत को घुमाता ही रहता है, ये नाश का दानव है हो ये काल केतु से। इसके सैकड़ों पुत्र और 10 भाई हैं महाराज, इंद्रियां ये सब इसकी सहायता करते हैं और बड़ा खल है, अत्यंत अजय है और देवताओं को दुख देने वाला है। सो राजा ने पहले बहुत युद्ध भूमि में बहुत सारे राजाओं को मार दिया था। क्यों मारा था कि जिससे ब्राह्मण संत देवता इनको बहुत दुख हो रहा था, तो इसीलिए इन्होंने राजाओं को मारा था। अब इस ये खल बच गया था, इसने अपने पिछले बैर को संभाल लिया और ये तापस जो कपटी मुनि था इससे मिलकर के मंत्र का विचार किया और जिससे शत्रु का क्षय हो ऐसे उपाय की इन्होंने रचना की। भाभी कुछ ऐसी थी, अब इसका कारण क्या था कि इतना धर्मात्मा पुरुष जो है ये इस ठगी के चक्कर में पड़ गया, इस ढोंग में आ गया, इसका कारण क्या है? तो कोई कारण नहीं सूझता है, भाभी बसन जान कचुराऊ ऐसी होनी थी यही कहना पड़ेगा अंत में, इसलिए राजा की समझ में कोई बात नहीं आई। लेकिन अकेला राजा भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसको कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आग की एक चिंगारी जो है ना वो भी दूसरे को जला सकती है, सांप का छोटा बच्चा भी दस दे तो आदमी मर सकता है, इसलिए इनको रोग जो है ना वो थोड़ा भी आवे तो बड़ा हो सकता है। एक बार मैंने देखा नाक के सिरे पर एक आदमी के जरा सी सरसों के बराबर पहुंची हुई और नाक उसकी फूल करके हो आम के बराबर हो गई ऐसी, और फिर सारा मुंह फूल गया घोड़े के बराबर हो गया ऐसा, और काला पड़ गया और दिल्ली के डॉक्टर उसकी चिकित्सा करते ही रह गए, 3-4 दिन के अंदर मर गया। तो रिपु रुज पावक पाप इन्हीं पाप आही इन्हीं गनिये छोट करे, इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। सो इसलिए राजा महाराज छोटा भी बड़ा बलवान होता है, वो कपटी मुनि इस बात को समझता था। तो देखो उसके लिए बताते हैं कि अजहु दैत दुख रवि ससी सिर अवशेषित राहु, राहु का सिर जो बच गया था ना उसको भगवान ने नहीं मारा, सो अब भी वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण के दिन तकलीफ देता है। का शत्रु का नाश तो पूरा ही करना चाहिए, उसको अधूरा नहीं करना चाहिए। तापस नृप निज सखहि निहारी हरखि मिलो उठि भयो सुखारी मित्रहि कहि सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई अब साधु रिपु सुनहु नरेसा जो तुम की न मोर उपदेशा परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषध व्याधि विधि कोई मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई तापस नृपहिं बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी भानु प्रतापहिं बाजी समेता पहुंचायसि छन माज निकेता नृपहिं नारी पह सैन कराई हय गृह बांधेसि बाजी बनाई
राजा के उपरोहित ही हरि ले गये बहोरी ले राक्षस गिरि को हम माया करिमति भोर सिया। जब उस कपटी तपस्वी ने अपने मित्र काल केतु को देखा तो उठ करके हर्ष से उससे मिला और बड़ा सुखी हुआ और मित्र को सब बात सुनाई। अब वो तो राक्षस था महाराज काल केतु, तो बड़ा सुख हुआ उसको, बोले अब हमने अपने शत्रु को साध लिया। राजा सुनो, अब ये हमारे काबू में आ गया, जैसा तुमने मुझे उपदेश, जो तुम मेरी बात मान जाओ तो सो अब तुम शोक छोड़ करके सो जाओ। बिना दवा के ही महाराज यहाँ बिनु औषध व्याधि विधि खोई, कोई दवा करनी नहीं पड़ी और ब्रह्मा जी ने इस रोग को, इस शत्रु रूप रोग को मिटाने की युक्ति कर दी। सो अब पंस सहित अपने शत्रु की जड़ उखाड़ करके मैं बहा दूंगा और चौथे दिन आकर के तुमसे मिलूंगा। अब तो तापस राजा को उसने बहुत तरह से संतोष दिया और वो बड़ा कपटी अति रोषी था, वहां से चल पड़ा और घोड़े सहित भान प्रताप को एक क्षण में उनके घर में पहुंचा दिया। ले जाकर के राजा को रानी के पास सुलाया और जहां अश्वशाला थी घोड़ों के रहने की जगह, वहां जाकर के अच्छी तरह से घोड़े को बांध दिया और राजा के पुरोहित को हर करके वो ले गया और एक पहाड़ की कंदरा में उसको डाल दिया, कर दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा पर जाते ही से जय रूपा जागेन्द्र पर निहाना देखाना उन महिमा मन महु अनुमानी जानन रानी कानन गय बाज चढ़ी ते ही पुर नर नारिन जान के ही गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा जुग समंद्र पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रही मतलीनी समय जाने उपरोहित आवा नृपही मते सब कही समझावा नृप हर के उपहिचानी गुरु भ्रम बस रहात देश बरे तुरंत तत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियावर। अब काल केतु जो राक्षस है वो पुरोहित का रूप धारण करके जा करके पुरोहित के सज्जा पर सो गया और सवेरा होने से पहले ही राजा जागे, देखा कि ये तो हमारा महल है, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये देखो ये लोग जो दुनिया में कभी कोई अचरज होता है, चमत्कार होता है, ये राक्षस का किया हुआ है कि देवता का किया हुआ है ये तो समझ नहीं सकते। इसीलिए कहीं कहीं जिनको दैत्य दानव शैतान सिद्ध होता है ना, शैतान से भी चमत्कार होता है, तो कौन चमत्कार शैतान का किया हुआ है, राक्षस का किया हुआ है, इसको साधारण लोग नहीं समझते। कब वो तो चमत्कार देख करके फंस जाते हैं। सो महाराज उसने, राजा ने तो कहा कि अरे ये तो मुनि की महिमा है भाई कि हम जंगल में से अपने घर में पहुंच गए और झट धी गवही धीरे से उठे जिससे रानी को पता न चले और उसी घोड़े पर चढ़कर फिर जंगल में चले गए जिससे किसी पुर के नर नारी को पता न लगे, क्योंकि ऐसे तो पता लग जाता ना कि ये क्या आश्चर्य हुआ कि राजा रात को अपने महल में चला आया तो सब लोग आकर के पूछते। ऐसी युक्ति की महाराज, ये युक्ति भी अलंकार है। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। दोपहर होते होते राजा वो धूप में आए, अब तो घर घर बड़ा आनंद होने लगा, बधाई बजने लगी। जब राजा ने अपने उपरोहित को देखा तो देख करके आश्चर्य चकित हो गया और अपना काम स्मरण करके कि क्या काम था हमारे, बड़ी
आश्चर्यचकित हुआ। अब तो 3 दिन राजा को जुग के समान व्यतीत हुए और कपटी मुनि के पद पर बड़ी प्रीति उसकी, महाराज उसकी मति लीन रहने लग गई। अब समय समझ करके पुरोहित आया और नृप को वो सारी बात जो वहाँ एकांत में हुई थी वो सारी उसने समझाया और वो बोले कि देखो अब वो आया तो है काल केतु, वो तपसी राजा जो है ना कपटी राजा वो नहीं आया है कपटी मुनि, लेकिन अब इसने तो बताया कि मैं वही तुम्हारा गुरु हूँ, देखो तुम्हारे पुरोहित के बीच में आया हुआ हूँ। लाग त्रिखा बन भूल कर पर्यो तब जाय सरोवर तो ही दिखायो, मैं ही था वो, ऐसे ये काल केतु बोला। देख दुखी वरदान दियो सतकल्प लो काल ते तो ही बचायो, वही मैं हूँ। सोवत ही तो ही बाज समेत तपोबल ते घर में पहुँचायो, देख लिया ना हमारा आश्चर्य। निर्भय विप्रन ते कर बे कहा तो ही मही पी यहाँ लग आयो, तुमको निर्भय करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब तो अपने गुरु को पहचान करके राजा जो है बड़े हर्षित हुए और भ्रम के कारण उनको ख्याल नहीं हुआ, सावधानी नहीं रही और तुरंत उन्होंने 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया कि आप लोग कुटुंब सहित पधारे हैं। उपरोहित जवनार बनाई छरस चारी विधि जसी सुरति गाई, माया मयत ही की न रसोई व्यंजन बहुगन सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष राधा तेहि महाविप्रमांत कल साधा, भोजन कहु सब विप्र बुलाए पग पखारि साधर बैठाए, परसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश मानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ है बढ़िहानि अन्न जनि खाऊ, भयउ रसोई भूसुर मासु सब बुज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति भावी बस नयाव मुख बानी, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निसाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र की जय। अब ये महाराज राक्षस बन गया पुरोहित, जब पुरोहित देवता होए तब तो जजमान का भला करे और जब राक्षस हो जाए पुरोहित तब फिर जजमान की क्या भलाई होगी। तो उसने जो जवनार बनाई 6 रस और 4 प्रकार हो उसके, 6 रस जो होते हैं आप लोग जानते ही हैं खाने पीने की बात, खट्टा मीठा ये सब नमकीन, और 4 प्रकार का जो भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य ये जैसा महाराज संसार में प्रसिद्ध है उसने सारी रसोई माया में, क्योंकि पका करके इतना बना नहीं सकता, माया की रसोई उसने बनाई। ये सब माया का ही खेल था और बहुत व्यंजन उसने बनाया जिसको कोई गिन न सके महाराज, और उसने बहुत से पशुओं का मांस भी बना दिया उसमें माया से, और उनमें ब्राह्मण का मांस भी उसने मिला दिया, अब सिद्ध कर दिया। अब जब सब ब्राह्मण भोजन के लिए आए, सबके पांव धोए गए, सादर सब बैठाए गए, राजा खुद अपने हाथ से लेके परतने लगा। अब महाराज ब्राह्मण तो बड़े बड़े महात्मा धर्मिष्ठ उसमें थे, जिन्होंने कभी मांस की गंध भी नहीं पाई थी, ऐसे महापुरुष थे उसमें महाराज। सो वो तो पहचान भी नहीं सकते कि ये क्या मांस है कि क्या है, पहचान भी नहीं सकते महाराज। सो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे ब्राह्मणों तुम लोग उठ उठ के अपने घर चले जाओ, बड़ी हानि है, ये अन्न जो तुम्हारे सामने अन्न के रूप में दिखाई पड़ रहा है ना, ये अन्न नहीं है, इसके भीतर तो मांस मिला हुआ है और ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, भयो रसोई भूसुर मासु ब्राह्मण के मांस की रसोई बनी है। अब तो सब ब्राह्मणों को विश्वास हो गया महाराज, उठ के खड़े हो गए और वो राजा जो है बड़ा विकल, उसने उसकी जो बुद्धि है वो मोह में भुला गई और भाभी बस उसके मुंह से कोई वाणी न निकले, ब्राह्मणों को तो बड़ा क्रोध आया हो। सो उन्होंने कुछ विचार नहीं किया और झट साप दिया, जाय निसाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निसाचर हो नृप, बिना सोचे विचारे ब्राह्मणों ने भी साप दे दिया। क्यों? बोले क्रोध आ गया था,
जब आदमी के क्रोध आता है ना, तब उसके विवेक विचार जो हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं। ये क्रोधाकस्मात, क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं, कम रुणद्धि थी का, ये हमारे हृदय में जो आनंद का विचार का जो स्रोत है उसको ये रोक देता है। सो महाराज आ गया क्रोध, सारा विचार नष्ट हो गया, बोले जाओ तुम निशाचर हो जाओ परिवार सहित। अरे वो मूडो छत्र बंधु तय विप्र बुलाई खा ले लिए, ईश्वर राखा धर्म हमारा जय लसित संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रही कुल को नृप सुनि साप विकल यति त्रासा भई बहोरि पर गिरा आकाशा विप्रभु साप विचारी न दीन्हा नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा चकित विप्र सब सुनि नभ बानी भूप गयउ जह भोजन खानी तन सन नहीं विप्र सुवारा फिर उराउ मन सोच अपारा सब प्रसंग महि सुरन सुनाई त्रसित परउ अवनी अकुलाई भूपति भाभी मिटे नहीं जदपि न दुखन तोर किए अन्यथा होई नहीं विप्र साप यति घोर सियावर। अब ब्राह्मणों ने वो क्रोध करके कहा, अरे वो प्रियाधम क्षत्रिय बंधु तूने ब्राह्मणों को बुला करके सारे समुदाय का धर्म नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, अब तो सारे परिवार के साथ तेरा सत्यानाश हो जाएगा और एक संबत के भीतर ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। अब तो राजा वो साफ सुनकर के बड़े व्याकुल हो गए भय से, कहां तो चाहते थे कि सतकल्प पर्यंत हमारा अकंटक राज्य होवे और कहां एक वर्ष के भीतर सत्यानाश, है ना। आदमी जब अति करना चाहता है ना, हो जैसे आदमी दौड़ता है ना तो सामने की हवा रोकती है, इसी प्रकार जब संसार में आदमी बहुत अति करता है तो सामने की हवा जो है ना उसको रोक देती है। अरे बाबा जैसे पैदा होते हैं 150 बरस जिंदा रहते हैं अपना काम करते हैं, वैसे अपना सहज जीवन व्यतीत करो, इसमें अति करने से फिर पाप पुण्य भी अति होने लग जाते हैं, उनकी भी अति हो जाती है और अत्युत्कट ही पाप पुण्य यही वो फलमश्नोत है। जब आदमी अत्यंत उत्कट पाप पुण्य करने लगता है, अब लालच आई ये कि 100 कल्प तक हमारा राज्य होगा हैं और इसमें फिर ब्राह्मणों का वशीकरण कर लो, और वशीकरण करने गए महाराज तो ये देखो उसमें छल कपट मिला कि बिचारे का सत्यानाश हो गया। मनुष्य को अपना सहज जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसमें बनावट नहीं करनी चाहिए। हो भगवान सवेरे उठ गए, स्नान कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, अपने घर के काम कर लिए, और जो लोग दिन भर महाराज माला हाथ में रखते हैं ना उनके भी जब ठीक नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है हाथ से। कई बार हमको बताते हैं लोग कि हम हाथ तो में माला तो रखते हैं लेकिन छूट छूट के गिर जाता है, तो वो है ना छूट छूट के गिर जाता है, तो अतिशय नहीं करना चाहिए। स्नान आज करके घंटे दो घंटे खूब आनंद से भगवान का भजन कर लेना चाहिए, है ना। सब काम, धर्म का भी काम करना, अर्थ का भी काम करना, भोग का भी काम करना, मोक्ष के जो साधन हैं उनको भी सत्संग आदि भी करना, और एक में जब आदमी अति कर देगा ना तो अति जो है का वो फिर विरोधी पैदा कर देती है, उससे विरोधी भाव पैदा हो जाती है। अब तो एक ही वर्ष में महाराज सारा सत्यानाश, अब तो बड़ा व्याकुल हुआ। सो फिर से आकाशवाणी हुई, विप्रभु साप विचारी न दीन्हा, ब्राह्मणों तुमने विचार करके साप नहीं दीना, ये जो राजा है इसने कोई अपराध नहीं किया है। अब तो सब के सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, और राजा भी जहां वो भोजन बना था ना रसोई घर वहां गए, और वहां जाके देखते हैं न तो कोई खाने की चीज है, न वहां वो ब्राह्मण गुरुदेव भी नहीं है, बोला वो कपटी मुनि वो भी गायब, और वो जो सूदकार हैं सुआरा उनके लिए अवधी भाषा का सुआरा शब्द रसोई बनाने वाले ये अब तो राजा लौट करके आए, बड़ा भारी मन में शोक, सब प्रसंग उन्होंने राजाओं के सामने वर्णन कर दिया और डर करके व्याकुल हो करके धरती पर गिर पड़े।
और ब्राह्मणों ने कहा कि राजा भाभी अब मिट नहीं सकती, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मणों का साथ बड़ा भयंकर, ये फिर अब उल्टा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अस कही सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोच ही दुखन दई वही दे, विचरत हंस काग किय जेहि, उपरोहित ही भवन पढ़ि ताप सही खबर जनाई, तेही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी से न भूख सब आए, निशान बजाई, विविध भांति नित होई लराई, जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी, सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्रताप की रिपु जिति सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवने जय जसुपाई, भरद्वाज सुनु होई विधाता बाम, ताही ब्याल समदाम सियावर रामचंद्र की जय। अब वो असुर ने क्या किया कि जो पुरोहित को पहले पुरोहित को छिपा दिया था गुफा में, वहां से निकाल करके उसको घर पहुंचा दिया और उस तापस मित्र को खबर दे दी, और उस खल ने जहां तहां पत्र भेज करके सेना अपनी तैयार की, और जो विरोधी राजा थे सो सब संगठित हो गए, उसके नगर को उन्होंने डंका बजा करके घेर लिया, और रोज रोज लड़ाई होने लगे, बड़े बड़े जो वीर थे सो मर गए, और वो राजा भानु प्रताप भी अपने भाई अरिमर्दन सहित मर गया। भानु प्रताप भी निस्तेज हो गया, और जो अरिमर्दन थे महाराज का वो भी अरियों के हाथ से मारे गए। ये काल केतु जो है ना, काल केतु की ये महिमा है कि वो संसार में किसी को रहने नहीं देता। कहते हैं निर्हृत्य पुत्रम पितरम जीजी विषय, लोग क्या करते हैं का है? क्या असक ही सब। अच्छा, वो राजा वो ब्राह्मण लोग तो साथ दे करके महाराज चले गए, और समाचार गांव के लोगों को राजा के घर की बात कोई छिपी थोड़ी रहती है, सारे गांव में फैल गया, और सब लोग शोक करते थे और दैव को दोष देते थे, क्योंकि कोई कारण तो समझ में आता नहीं था, राजा पापी तो था नहीं। हुआ क्या, कब विचरत हंस काग किए जे ही, यहाँ तो हंस क्रीड़ा कर रहा था लेकिन उसको कौआ बना दिया। देखो जन्म से जो हंस होता है वो कौआ नहीं होता है, लेकिन महाराज ये कोई ऐसा रंग डाला इन लोगों ने, है ना, ये ढोंगी और ये जो कपट मुनि थे उनके संग ने और इस असुर ने और इस षड्यंत्र ने ऐसा किया महाराज कि ये हंस भी कौवे की तरह काला हो गया। ऐसी स्थिति हुई, अब तो महाराज मर गया वो बेचारा, जब तो सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, और ब्राह्मणों का साथ, भला वो झूठा तो काहे को होता। अब रिपु जीत सब नृप नगर बसाई, सब राजाओं ने अपने शत्रु भानु प्रताप को जीत लिया, और नया नगर सब दूसरे जो शत्रु थे उनको जीत लिया और नगर बसाई, और अपने अपनी राजधानी में वो जय और जस पा करके चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, जब जिसके विधाता वाम हो जाते हैं तब धूरी मेरु सम, वो धूली का एक कण उसके लिए पहाड़ के बराबर हो जाता है वो, और अपना बाप भी जमराज के समान हो जाता है, और उसके लिए रुपए पैसे भी सांप की तरह काटने वाले हो जाते हैं। जब विधाता बाम होता है तब बड़े बड़े अद्भुत महाराज हो जाता है। कहते हैं कि अशुभ कर्म का जब उदय होता है ना, पूर्व जन्म किए हुए जो अशुभ कर्म होते हैं तो विधाता बाएं हो जाते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, कठिन कर्म की गति को तो वही जानते हैं, तो किसके बाएं होना किसके दाएं होना। तो पूर्व जन्म के जब बुरे कर्म उदय होते हैं तब विधाता बाएं हो जाते हैं। वो कपटी मुनि जो था वो तो रौंदा हुआ था, भानु प्रताप ने उसको बिल्कुल रौंद के धूल के समान बना दिया था, लेकिन कपटी मुनि धूल के नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत,
वही सुमेरु के समान हो गया और महाराज उसके बुलाने से सब राजा युद्ध करने के लिए आ गए। और ब्राह्मण लोग तो बिल्कुल पिता के समान थे, लेकिन वो भी जमराज के समान हो गए। साप दे दिया महाराज सो। और काल केतु में क्या था, वो तो सुअर बन के जंगल जंगल में फिरता था, लेकिन वो रस्सी भी ताही ब्याल सम दाम, दाम माने रस्सी, वो कैसी हो गई का वो ब्याल के समान, सांप के समान हो गई। वो तो रस्सी था लेकिन उसके लिए वो सांप के समान हो गया, क्योंकि समय विपरीत आ गया। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, राम भूपयन जय हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकरण बल धामा, सचिव भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जसुत सेवक नृप केरे, भये निसाचर घोर घनेरे, काम रूप खल जिनिस अनेका, कुटिल भयंकर कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरन जाई विश्व परितापी, उपजे जदपि पावन मलयनु, तदपि मही सुर साप बसो, भये सकल यज्ञ रूप सियावर रामचंद्र की जय। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, वही भानु प्रताप राजा जो है वो समय आने पर अपने समाज सहित निशाचर हो गया। अब कैसा निशाचर हुआ, दस सिर ताही बीस भुज दंडा, उसके दस सिर हैं महाराज। ये भगवान रामचंद्र के शत्रु हैं कौन, दशानन, जिसके दस मुंह है, दसों इंद्रियों से जो भोग विलास में लगा तो राम का शत्रु हो गया। और पिता कौन है, का दशरथ, जिसने दसों को अपने वश में कर लिया। तो ये दस सिर है और इसके बीस भुज दंड हैं, और रावण इसका नाम है। जिस समय रावण लंकापुरी से निकल करके गांव में जाता था महाराज, ये कोलाहल मच जाता था कि रावण आया, रावण आया, रावण आया, सब लोग घर द्वार छोड़ करके भागते थे। क्यों, कि सबको रुलावे जो उसका नाम रावण महाराज, सब चिल्लाने लगते थे, जिसके आने पर चिल्लाहट मच जाए, शोरगुल मच जाए दुनिया में, उसका नाम रावण। ये कैसा कैसा था, कबीर बरिबंडा, बड़े बड़े बलि इसको वंदना करते थे, इसलिए उसको बरिबंडा बोलते थे। ये बलि, बलि, बलि का तो हो गया है बरि, और बंद का हो गया है बंडा। ये गांव की भाषा की महिमा है ना, ये अवधि की महिमा है। हो तो अवधि में भी असल में ये प्राकृत भाषा से आया है, दोल दंड दसनेशु डह। तो दंड शब्द में ये द को ड करने वाला जो है ना, वो प्राकृत सूत्र है। तो उसने क्या किया कि रलयो रभेदा से ल को तो र कर दिया, और बंद में जो द था उसको ड कर दिया, और गांव में ये बरिबंडा बन गया शब्द, बरिबंडा। तो बड़े बड़े बलि भी उसको वंदना करते थे, इसलिए उसका नाम बरिबंडा है। और वो बड़ा वीर था महाराज, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, जो राजा का भाई था जिसका नाम था अरिमर्दन, वो बलधाम कुंभकर्ण हुआ। और जो धर्म रुचि उसका सचिव था, मंत्री था, वो उसका सौतेला भाई छोटा विभीषण बना। उसका नाम विभीषण जगत में प्रसिद्ध है, वो विष्णु भगवान का भक्त था और विज्ञान का निधान था। अरे भाई, ज्ञान विज्ञान तो वही है ना जिससे मनुष्य का मन भगवान में लगे, और मन भगवान में न लगे तो सारा ज्ञान निरर्थक गया, वो तो संसार के काम आया ना, माने विषय भोग के काम, या विषय संग्रह के, अर्थ संग्रह के काम आया, या भोग के काम आया। तो जितने पुत्र और सेवक थे उस राजा के, वो सब के सब बहुत सारे थे, वो बहुत से राक्षस बन गए। और महाराज काम रूप खल राक्षसा काम रूपिणा, वाल्मीकि जी ने लिखा, ये जो राक्षस होते हैं ये काम रूप होते हैं, माने जो जब मन में आवे सोई बन जाए महाराज। एक बार
रावण जब हारने लगा और रामचंद्र पर कुछ नहीं चली तो उसने सब राक्षसों को आज्ञा दे दी कि तुम लोग गाय बन जाओ, बड़ी बड़ी सिंह वाले, और जा करके बानरों को और रामचंद्र को मार डालो तुम। अब गाय बन बन करके राक्षस आए महाराज, ये कथा रामायणों में मिलती है। ये निशाचर काम रूप होते हैं। अब तो रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण धनुष बाण लिए चुपचाप खड़े, गाय पर कैसे बाण चलावें। अब वो बानर सेना का संहार करने लगी, तब विभीषण जी आए, बोले महाराज ये क्या करते हो, है? आपकी तो हार हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करें, गाय पर बाण कैसे चलावें। बोले आप व्याघ्र बाण चलाओ। अब श्री रामचंद्र भगवान ने जो व्याघ्राकार बाण चलाया, वो बाघ बन बन के गाय की तरफ जब दौड़े तो गायों को कोई विज्ञान का ज्ञान थोड़ी था, अब वो तो बाघ की शक्ल ही देख देख के महाराज भगी और डर डराए करके फिर सबके सब राक्षस हो गए। तब भगवान ने उनको मारा। तो ये काम रूप बड़े दुष्ट और अनेक जिनस के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, बड़े कुटिल, बड़े भयंकर, और इनके विवेक नहीं होता है, इनके मन में दया नहीं, सबके सब हिंसक और सबके सब पापी। संसार को इतना दुख पहुंचाते थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, वंश तो बड़ा बढ़िया था उनका, इसको विषम अलंकार बोलते हैं। उपजे जद्यपि, इनके विवेक नहीं होता है, इनके मन में दया नहीं, सबके सब हिंसक और सबके सब पापी। संसार को इतना दुख पहुंचाते थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, वंश तो बड़ा बढ़िया था उनका, इसको विषम अलंकार बोलते हैं। उपजे जद्यपि जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमलयनूप, तदपि मही सुर साप बसो भये सकल अघरूप। यद्यपि पावन अमल अनूप पुलस्त्य कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी ब्राह्मणों के साप के कारण वे सब के सब अघरूप हो गए। अब इस तरह से 176वें दोहे तक पहुंच गए, है ना। अब 14 दोहे में राम जन्म आने वाला है, तो सायंकाल राम जन्म का प्रसंग अब आ जाएगा। इसलिए ये थोड़ा संकीर्तन भी होगा, बीच में आरती भी होगी, और ये राम जन्म का प्रसंग आज सायंकाल मनाया जाएगा। ये स्वामी जी महाराज आए हैं, आप लोग, मैं समझता हूँ आज रविवार है, थोड़ी देर बैठेंगे, हाँ, तो इनसे भी सुनो। इन्होंने जिस दिन ये रामायण प्रारंभ हुआ ना, उस दिन एक श्लोक हमको टेलीफोन पर बताया, रामचरित के संबंध में, वो अशेषाह श्रुतयो गावः, ऐसा श्लोक बताया। सारी श्रुतियां तो गाय हैं, और दोगधा शंभु सनातना, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो टेलीफोन पर है ना, कोई कोई शब्द शायद उलट जाए, है ना। दोगधा शंभु सनातना, और सनातन शंभु जो हैं वो दोगधा है, तो बड़े अच्छे कवि हैं ना, संस्कृत भाषा के बड़ी अच्छी कविता करते हैं, बड़े विद्वान। सो महाराज दोगधा शंभु सनातना और गौरी वत्सतरी और भोक्त्री, गौरी जो है वो बछड़ा है ना, बछड़ी है ना नारायण, क्योंकि वो तो माँ है ना, दूध पीती है और दूध देती है ना। बछड़ा होता तो दूध पी तो लेता लेकिन देता नहीं, अर्जुन किसी को उपदेश नहीं करता है, लेकिन ये गौरी जी तो बछड़ी है, फिर वो दूसरों को सुनाती हैं। तो भोक्त्री भी हैं और दोगधरी भी हैं, वो बत्सतरी भोक्त्री और दुग्धम रामायणम महत, और ये रामायण एक महान दुग्ध है, ये श्लोक स्वामी जी ने उस दिन हमको टेलीफोन पर सुनाया था। सो नारायण 10 मिनट और आप लोग दलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वरविभूषणभूषणांगं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं।
ओम शांति शांति शांति। उत्तम वंश में उत्पन्न होने पर भी प्रताप भानु और उनका परिवार पाप रूप पैदा हुए। तीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं परनी सुजाई। 176वें दोहे के बाद प्रसन्न मैं ताता करि विनती पद गहि तस सीसा। हम काहू बे मरहिन मारे, बानर मन देव मास्तु तुम मैं बामिलते। पुनि प्रभु कुंभकरण पहि गयउ, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयउ। यही खल नित करब यहारु, कोई सब उजारि संसारु। सादर प्रेरिता सुमति देरी, मांगे गए विभीषण पास पुनी। कहे पुत्र बर मांगु, तेहि मांगु भगवंत पद कमल कमल अनुराग। तीनों भाइयों ने अलग अलग और अनेक प्रकार के तप किए। रावण तो हजार वर्ष तक भगवान शंकर की पूजा करके एक सिर काट के चढ़ा देता था, 10,000 बरस तपस्या की। कुंभकर्ण सर्दी गर्मी सब शांत करते थे। विभीषण एक पांव से रह करके तपस्या करते थे। ऐसा नहीं है कि एक घर में पैदा होने से या एक भाई होने से सब लोग या पति पत्नी होने से सब एक ही तरह का साधन करेंगे, जरूरी नहीं होता। सबके संस्कार, सबकी रुचि, सबकी प्रीति जुदा जुदा होती है। पूर्व जन्म में सब लोग अलग अलग साधन किए हुए होते हैं, उसके अनुसार इस जन्म में होता है। अब बड़ा उग्र तप महाराज वर्णन है, उसका वर्णन न किया जाए। ये कहते हैं कि विधाता और मैं दोनों उसकी तपस्या देख करके उसके पास गए। शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती से, ये मानो बर प्रसन्न मैं ताता। तो ये जो मैं है, यहाँ मैं प्रसन्न हूँ ऐसा नहीं, विधाता और मैं दोनों उसके पास उसकी तपस्या देख करके गए और वर मांगो ऐसा उससे कहा। अब दशग्रीव ने पांव पकड़ करके विनती की और उसने कहा कि हे जगदीश सुनो, हम किसी के मारे न मरें। ये पहला वर मांगा, पर ये तो असंभव था। जब असंभव था क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता है। ये नियम है सृष्टि का कि जो जन्मेगा उसको मरना भी पड़ेगा। यज्जन्यम तदनित्यम, जो जन्म लेता है वो अनित्य होता है। जो लोग कहते हैं हम कभी नहीं मरते, वो शरीर दृष्टि से ऐसा नहीं कहते हैं। अब ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा तो ठीक नहीं है। तब उसने कहा अच्छा, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि वानर और मनुष्य ये दोनों तो इतनी छोटी जाति हैं कि ये तो हमारे भोजन हैं। इनसे बचाव करने के लिए अगर हम वर भी मांगे कि ये भी हमको न मार सकें, तो उसमें हमारी बेइज्जती है कि इतने छोटों से भी है ना ये डरता है और उनसे बचाव का वर मांगता है। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। अब तो महाराज मैं और ब्रह्मा, देखो सृष्टि का देवता और प्रलय का देवता दोनों मिल जाते हैं रावण के पास। ओम नमो नारायण। तो मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा, मैं और ब्रह्मा दोनों मिल गए और उससे कहा कि तुमने बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसे ही हो।
अब इसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, शंकर जी नहीं गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण को शंकर जी ने वर नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने अकेले दिया। अब उसको देख करके मन में बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, उसकी तो सकल सूरत भील डौल महाराज बड़ा विलक्षण। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये खल अगर नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार जो है ना उजड़ जाएगा। मोह दशकंध तद्भ्रात अहंकार, ये दशकंध जो है ये मोह रूप है, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं। और ये उसका भाई जो है ये अहंकार है, इसका पेट कभी भर ही नहीं सकता, जितना जितना मिले और अहंकार बढ़ाने के लिए वस्तु चाहिए, ये भी हो ये भी हो ये भी हो। 100 रुपए का अहंकार होता है पर मन होता है कि 1000 का होवे, और 1000 होवे तो 1,00,000 का होवे, 1,00,000 होवे तो 1,00,00,000 का होवे। ये अहंकार जो है वो कभी तृप्त नहीं होता, इसका पेट नहीं भरता। तो ये दुष्ट अगर रोज आहार करेगा तब तो सारा संसार उजड़ जाएगा। इसलिए शारदा को प्रेरणा दे करके उन्होंने उसकी बुद्धि फेर दी और उसने 6 महीने की नींद मांगी। अब इसके बाद विभीषण के पास गए और उनसे कहा कि बेटा वर मांगो, पुत्र कहे थी कहो पुत्र वर मांग। देखो विभीषण को पुत्र कह करके पुकारते हैं, क्यों? कहे भगवान का भक्त है ना, जो भगवान का भक्त होता है उससे सब प्रेम करते हैं। अब विभीषण ने क्या वरदान मांगा कि भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान के चरण कमल में निर्मल वासना रहित अनुराग होवे, ऐसा वर उन्होंने मांगा। नहीं दे बर ब्रह्म सिधाए, हरक्षित ते अपने गृह आए, मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लामा, सोई मय दीन रावण मियानी, कोई जात भान पति जानी, सिपाही उनको बंधु आए सिया, एक सिंधु मझारी, विधि जल मित दुर्गम यति भारी, सोई मय दानव बहु समारा, कनक रचित मन कौन अपारा, भोगावती जति यति फूलदासा, अमरावती जति चक्र निवासा, दिनते अधिक रम्य अति वंका, जग विख्यात नाम से ही लंका, आई सिंधु गभीर यति चारि हिंद सिरियाओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़ वरन जाई बनाओ, हरि प्रेरित जहि कलप जुई, जात उठान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल कल समीप बस। अब ब्रह्मा उन्हें पर दे करके चले गए, वे हर्षित होकर के अपने घर लौटे, क्योंकि जब कोई बड़ी तपस्या करता है साधना करता है ना तो देवताओं पर भी उसका बोझ पड़ता है। अब आगे वर्णन करते हैं, देखो जन्म हुआ, तपस्या की, वरदान मिल गया, तो विवाह का प्रसंग आया, तो एक मय नाम का असुर है हो, उसी के नाम से ये माया शब्द बना है, बोला हाँ, ये मय की बेटी होने से ही ये माया है, तो इसका नाम बताया कि मय तनुजा मंदोदरी नामा, बड़ी सुंदरी है, उसका नाम मंदोदरी, माने पेट उसका जो है उधर जो है उसका बहुत छोटा है, इसलिए उसको मंदोदरी कहते हैं। बड़े पेट की स्त्री को सुंदर नहीं मानते हैं, छोटे पेट की स्त्री को सुंदर मानते हैं, इसलिए सुंदरी होने से उसका नाम मंदोदरी था। परम सुंदरी थी और स्त्रियों में वो ललाम रत्न थी। अब रावण को बुला करके मैं दानव ने अपनी पुत्री उन्हें अर्पित कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि रावण राक्षसों के राजा होने वाले हैं। बहुत सुंदर स्त्री मिलने से रावण को बड़ा आनंद हुआ। एक उत्तमांगना परिश्वंग जन्य मद होता है, उत्तम स्त्री जिसको प्राप्त हो जाए उसको भी एक प्रकार का नशा होता है, और फिर
आकर के उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। एक समुद्र के अंदर त्रिकूट पर्वत है, ये तो समझो कि इस माया मोह के समुद्र में ये त्रिगुणमय पर्वत है ही है। और ये ब्रह्मा के द्वारा ही जैसे इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग बना है, वैसे राक्षसों के रहने के लिए लंका बनी है, विधि निर्मित है, और वो दुर्गम है और बहुत बड़ी है। तो मैं दानव ने उसको फिर से संवार दिया और सोने के रचित और मणियों से जटित उसमें अनेकों भवन हैं महाराज, जैसे भोगावती में सर्प रहते हैं और जैसे अमरावती में देवता रहते हैं, उनसे भी ये जो लंका है ये अतिशय रम्य है और जगत में इसका विख्यात नाम जो है वो लंका है। ये बाकी है, बाकी बंका, बंका का अर्थ है बाकी, वक्र है, वक्र है माने और पुरियों में भोगावती में और अमरावती में तो शत्रुओं का प्रवेश आसानी से हो सकता है, लेकिन इसकी रचना तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बंक चातुर्य पूर्ण है कि इसमें शत्रु का प्रवेश ही नहीं हो सकता। ये नगरी बड़ी बाकी थी, हो बाकी होने से बंका कहा। चारों ओर समुद्र जैसी गहरी खाई और चारों तरफ वो घुमा हुआ और सोने की चार दीवारी और मणियों से जटित बड़ी दृढ़ उसका बनाव वर्णन नहीं किया जाता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है, ये राक्षसों का स्वामी भी भगवान की प्रेरणा से ही होता है। तो सबके हृदय हनुमान जी देखते थे कि ये रावण जो है ना, ये भगवान का ही बनाया हुआ है, ऐसा उनको मालूम पड़ता था। लंका कांड में ये प्रसंग आता है, जे ही माया लवलेश ते जिते हु चराचर झार, जेही के बल लवलेश ते जिते हु चराचर झारी। रावण में भी राम का ही बल है। तो जब जिस कल्प में अब कर्म के अनुसार जिसकी प्रधानता होती है वो वहाँ राक्षसों का राजा होता है, और सूर प्रतापी अतुल बल और दल समेत वो वहाँ रहता है। रहे तहां निचर भट भारे ते सब सुरन समर संहारे, अब तह रहन चक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे, दस मुख कतहु खबरियत पाई तेन साज गढ़ देर सिजाई, देख विकट भट बड़ी कटकाई जक्ष जीव लय गए पराई, फिर सब नगर ततानन देखा गयो सोच सुख भयो देखा, सुंदर सहज यगमयन मानी रावण रज थानी, जेहि जत जोग पाट गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने, एक बार पुष्पक जान जीति ले आवा कौतुक ही कैलाश पुनी लीन सिचाई उठाए, मन दौल निज बाहु बल सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि पहले वहाँ बड़े बड़े असुर और निशाचर रहा करते थे, तो जब समुद्र मंथन के प्रसंग में देवासुर संग्राम हुआ तब देवताओं ने उन सब असुरों का संहार कर दिया। तब से वहाँ इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के जो रक्षक हैं वही वहाँ रहने लग गए। अब महाराज प्रसमुख कतहु खबर यह सिपाही, उसको किसी प्रामाणिक आदमी से खबर मिलने की तो जरूरत नहीं थी, उसको तो कहीं उड़ते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे इधर उधर से कहीं से उसको खबर मिल गई। वैसे पुराणों में वर्णन आता है कि सुमाली नामक जो असुर था उसी ने रावण से ये सारी बात सुनाई, तो बोला अरे ये तो हमारे राक्षसों की संपत्ति है, देवताओं ने जबरदस्ती इस पर कब्जा कर रखा है,
सैन्य सजा करके जाके उसने लंकागढ़ को घेर लिया। महाराज ये प्रवृत्ति का बड़ा भारी दुर्ग है लंका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो समस्ति देह है ना, यही प्रवृत्ति का दुर्ग है। तो जब इस पर असुर का अधिकार हो जाता है, असुर भाव प्रधान हो जाता है, इस देह में राक्षस रहने लगते हैं, तब ये बड़ा दुखद हो जाता है। अब तो विकट भट देख करके और बड़ी सेना देख करके जक्ष बिचारे तो अपना जीव ले करके वहां से भाग गए। जक्ष जीव ले गए पराई, जीव ले गए पराई माने कोई अपना कपड़ा लत्ता की वाहन की चारपाई की अपना श्रृंगार की आभूषण का ये कोई नहीं, जीव ले गए पराई। बस कैसे बाबा जीव बचे, जी बचा तो लाखों पाए। ऐसे महाराज वहां से सबके सब भाग गए। अब जाके एक एक नगर में एक एक घर की जांच की दशानन ने, अब उसका शोक मिट गया और विशेष सुख की प्राप्ति हुई। देखा कि नगर सुंदर है और स्वभाव से ही अगम है, ये निश्चय करके रावण ने यहाँ वहां अपनी राजधानी बनाई और जो जिस योग्य था उसको उसके घर बांट दिए। जैसे शरीर में इंद्रियों के अलग अलग गोलक होते हैं, अलग अलग नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, अलग अलग रक्त पीव आदि होते हैं, कैसी प्रकार लंका नगरी में महाराज भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थितियां थी उनमें वहां निशाचरों को बैठा दिया। तो एक बार उसने कुबेर पर धावा किया और उनसे पुष्पक विमान जो था उनके पास आकाश में उड़ने वाला वो छीन लिया। और कौतुक ही कैलाश, क्या हुआ, कौतुक ही कैलाश पुनी लीने सिजाई उठाए, मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। कौतुक कौतुक में ही, खेल खेल में ही उसने कैलाश को उठा लिया, देखने के लिए कि हमारे हाथों में कितना बल है, तौले कैलाश भारी है। सो महाराज उठा लिया कैलाश को उन्होंने। शंकर जी को पहले तो बड़ा क्रोध आया कि ये देखो ये है ना, ये तो ये भी एक कल की रीति है, शंकर जी के पांच ही मुंह है ना, तो इसने दस कर लिया अपना है ना, और हाँ उनके दस हाथ हैं तो इसने अपने बीस कर लिया, अपने इष्ट देव से भी आगे बढ़ गया। यही तो राक्षस की रूप रेखा ये है कि आसुर भाव वाला चेला होगा तो वो अपने गुरु से ज्यादा ठाट बाट दिखावेगा है ना, तो और आसुर भाव का पुजारी होगा तो अपने इष्ट देव से भी आगे बढ़ जाएगा। अब वो महाराज जाके उसने कैलाश उठा लिया, मनो तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए, अपने हाथों के तराजू पर मानो उसने कैलाश को तौल लिया कि कैलाश में क्या रखा है। लेकिन महाराज शंकर जी तो आशुतोष औढ़रधानी बड़े विचित्र स्वभाव के हैं, वो तो उसके ऊपर नाराज होते और मार डालते उसको। शंकर जी चाहे तो क्या कठिन है, लेकिन हुआ क्या कि पार्वती जी डर गईं और डर के जाके शंकर जी से लिपट गईं, और लिपट गईं तब उनको बड़ा आनंद आया। बोले ये रावण की वजह से आया है, चलो चलो बेटा बहुत बढ़िया किया तुमने, कह दो बहुत बढ़िया किया। सो उसके ऊपर बिल्कुल नाराज नहीं हुए, उनका तो स्वभाव ही, अब वहां से जो चला बहुत सुख पाए, वहां तो शंकर जी ने कहा कि वाह बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, खुश हो गए उसके ऊपर। तो वो तो वहां से सुख पाए करके लौटा। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभ करम यस भ्राता, जेहि कम नहीं प्रति भट जग जा, करे पान वे खट मासा, जागत हो इति हूँ पुर त्रासा, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, कही सम जेठ सुत सासु, भट मह प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रन सन मुख कोई,
सुरपुर नितज पर आवन होई कुमुखय कंपन पुलिस रद धूम केतु अति काय एक एक ऐसे सुभग विकास रामचंद्र की जय। अब महाराज उसके सुख एक, संपत्ति दो, बेटे तीन, सेना चार, सहायक पांच, ये सब उसके पास, और जय प्रताप बल बुद्धि महिमा ये सब हमेशा ही बढ़ते जाते हैं। ऐसी रावण की बढ़ती हुई नित नूतन सब बढ़त जाए, रोज नई नई उसको बुद्धि जय प्रताप आदि मिले और बढ़ते जाए। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे मनुष्य को थोड़ा जब लाभ होता है ना तो और लोभ बढ़ जाता है कि थोड़ा और मिले, थोड़ा और मिले, थोड़ा और मिले। लाभ से लोभ, लाभात लोभा प्रवर्धते, लाभ से लोभ की वृद्धि होती है, और फिर यही लोभ जो है ना वो मनुष्य को ले जा करके नरक में डाल देता है, क्योंकि लोभ तो नरक का दरवाजा है। तो अत्यंत बलवान उसको कुंभकर्ण सरीखा भाई मिला है, जिसकी बराबरी का सामने खड़ा होकर के लड़ने वाला नहीं महाराज, कोटि कोटि कति करैया हारा, करोड़ करोड़ बानर को वो खा जाए। ये अहंकार जो है ना, क्या ठिकाना है इसका, ये तो कुंभकर्ण है महाराज। इसका कान जो है ना वो घड़े के समान भरे नहीं कभी, जितनी तारीफ करो सब अहंकार जो है ना वो सारी तारीफ को पी जाता है। तद्भ्रात अहंकार, ये कुंभकर्ण जो है अहंकार रूप सो पान करे और 6 महीने तक सोए, और जब जिस दिन जग जाए उस दिन तीनों लोक में त्रास फैल जाए, और यदि दिन प्रतिदिन वो आहार करता तब तो सारा विश्व चौपटी हो जाता। बड़ा समरधीर था, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, उसके समान और भी बहुत सारे बलवान वीर रावण के पास थे। उसका सबसे बड़ा बेटा था मेघनाद, संसार के योद्धाओं में पहली लकीर पड़ती थी मेघनाद के नाम पर, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। वो कहते हैं ना कि जब गुणियों की गणना करनी की जाती है, गुणिगण गणना रंभे पतति न कठिनी सुसंभ्रमाद जस्य, गुणियों की गणना करनी हो तो अंगूठा जाके पहले कानी अंगुली के नीचे वाले पोरवे पर पड़े और उस पर जिसका नाम आवे, है ना नारायण, तब तो वो ठीक है, और उस पर न गिरे तो बोले कि फिर वो क्या बेटा हुआ। तो कुंभ के मेघनाद जो है उसकी पहली लकीर उसी की पड़ती थी जगत में। युद्ध में उसके सामने कोई आता नहीं था महाराज, वो जब स्वर्ग में जाए तो सब लोग भाग जाया करते थे। और ऐसे कुमुख कंपन वज्रदष्ट, कुमुख माने दुर्मुख, तुलसीदास जी नाम को कनक कशिपु अरु हाटक लोचन नाम बदल देते हैं कहीं कहीं, हिरण्यकशिपु को भी कनक कशिपु और हाटक लोचन बोलते हैं। यद्यपि संज्ञा को इस ढंग से बदलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग समझ जाते हैं, है ना, समझना ही तो चाहिए ना, तो समझ जाते हैं इसलिए वैसा भी कर देते हैं। कुमुख दुर्मुख को कुमुख कह दिया, अकंपन और कुलिसरद वज्रदष्ट का नाम कुलिसरद रख दिया, धूम केतु अति काय, बाबा एक एक में इतना सामर्थ्य था कि दुनिया को जीत सके, और रावण के पास तो ऐसे महाराज झुंड के झुंड सुभट थे। काम रूप जान ही सब माया, सपन जिनके थर मन दाया, दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अभितयापन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गनय गोपार निसाचर जाति, किस सहज अभिमानी बोला बचन, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सनमुख नहीं करहीं लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई, तिन कर मरम कहो बुझाई, सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा, सुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली नहीं आए, तब मरी ओ
भली भांति अपनाए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ये सब के सब काम रूप थे, जैसी रुचि होती जैसी इच्छा होती वैसा रूप धारण कर लेते। ये इच्छा का स्वरूप ही असल में ये है। काम का रूप क्या है, काम की शकल क्या, कि जब वो धन को चाहे तो धनाकार और जब स्त्री पुरुष को चाहे तो स्त्री पुरुषाकार। जिस चीज को चाहता है वही काम की शकल हो जाती है। काम की शकल कोई खास नहीं होती है। और बोले जब आप हमको कुछ नहीं चाहिए तो काम बन जाता है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बन जाता है बड़ा। इसी को काम रूप बोलते हैं। और ये सब माया जानते थे महाराज। ये माया जो है ये कपट की विद्या है, जादू जैसे होता है ना जादू, जिसमें लोगों की आंख बांध दी जाती है। और स्वप्न में भी इनके मन में धर्म और दया का लेश नहीं था। एक बार रावण भरी सभा में बैठा और देखा कि अपने परिवार का कितना विस्तार है। झुंड के झुंड बेटे सुत समूह, पलटन की पलटन हो बेटों पे, और जन परिजन नाती, प्रजा जन है और परिजन है और नाती पोते हैं, और निशाचर जाति जो है, ये निशा शब्द जो है ना, इसका निश रूप है, निश्चर भी होता है, निशिचर भी होता है, निशाचर भी होता है। सप्तमी का लोप नहीं होवे तो निशिचर होता है, और आ हो जाए तो निशाचर होता है, और निश्चर होता है, वैसे निश्चर। इसी का एक रूप है नेट, भला नेट, उसी का अंग्रेजी में नाइट बना हुआ है, भला तो नाइट, उसी से नेट का नाइट बना हुआ है। तो ये निशाचर हैं, निशाचर हैं माने नाइटचर हैं, बोला तो निशाचर जाते ये रात में ज्यादा काम करते हैं, दिन में कम करते हैं। हो अब अपनी सेना देख करके महाराज, वो तो जन्म से अभिमानी तो था ही, और क्रोध और मद और सो, उसने कहा कि सुनो भाई राक्षसो, हमारे दुश्मन हैं ये झुंड के झुंड देवता। तो वो सामने तो आकर के कभी युद्ध नहीं करते हैं, वो विषय बनते ही नहीं है, हमेशा विषय के प्रकाशक ही रहते हैं, बोला तो। और अपना दुश्मन देख करके तो वो बिल्कुल भाग जाते हैं, घर में जाके घुस जाते हैं, भीतर अंतर मुक्ता में चले जाते हैं। सो उनके उनका मरण एक रीति से हो सकता है। अब तुम लोग उसको सुन लो, मैं विस्तार से कहता हूँ। असल में ब्राह्मण भोजन कराना, यज्ञ करना, होम करना, श्राद्ध करना, जिससे मानसिक परिवर्तन होवे ना, वो जा करके ये इसी का नाम तो धर्म होता है। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन एक वैज्ञानिक आए थे तो उनके घर में उनके बच्चे को निकल गई चेचक, चेचक निकल गई तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो पूजा करूंगी, और पूजा की उसने। अब वो बड़े भारी साइंसदान और बोले कि तुमने तो बड़ी गलती काम की, क्या अंधविश्वास तुम्हारे मन में भरा हुआ है, और ये पूजा और पत्री और ऐसा वैसा, डांटा बेचारे को। अब वो अब बच मैंने उनका स्वामी हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। मैंने कहा बाबा तुम तो बड़े वैज्ञानिक हो, तुम्हारा बेटा तो वैज्ञानिक नहीं है ना, उसने जब देखा होगा कि मेरे लिए मेरी माँ पूजा कर रही है तो उसके मन में कितनी तृप्ति कितना संतोष हुआ होगा, और उसका रक्त शांत हो गया होगा, चेचक भी अच्छी हो गई होगी। तो उन्होंने कहा एक ये बात तो है स्वामी जी, बच्चे ने तो कहा आज मैं जो गया सो आके बोला कि आज माँ ने मेरे लिए पूजा की है, हैं, और ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है, उसको बड़ी खुशी हुई है। कहते को ये बात है ना, तो ये जो ब्राह्मण भोजन कराने से संतोष होता है, यज्ञ कराने से जो अलौकिक वस्तु पर संतोष होता है, हृदय में श्रद्धा का उदय होता है, देवता पर श्रद्धा का उदय होता है, अलौकिक उपाय पर विश्वास होता है, वो तो बहुत बड़ी चीज है ना। इससे जो मन को और इंद्रियों को जो शक्ति मिलती है वो इंजेक्शन से नहीं मिलती, बोला वो आध्यात्मिक शक्ति आधिदैविक शक्ति दूसरी चीज है। और ये अमृत बटी खाना और सुई लगवाना,
ये दूसरी चीज है वो। तो देवताओं की शक्ति का ह्रास कैसे होता है ये रावण ने बताया कि सबके जाय करो तुम बाधा, ये सब काम जो अच्छे अच्छे धर्म के हैं उनको रोक दो तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब भूख के मारे दुबले हो जाएंगे देवता लोग, उनमें बल नहीं रहेगा और आकर के आसुर भाव से मेल करेंगे, सहज ही मिल यही आए तो माने चोरी बेईमानी करने लगेंगे, छल कपट करने लगेंगे, ये आध्यात्मिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। तो तब मारी हूँ कि छोड़ी हूँ, तब मैं उनको मारूंगा कि छोड़ूंगा, पहले भली भांति अपने काबू में तो उनको कर लूं। मेघनाद कह पुनिह करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिनहि जीति रनयान सुबाधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सबही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी, चलत दसानन दूलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिरि कोहा, दिगपाल के लोक सुहाए, सूने सकल दशासन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देव तन गारी कचारी, रन मद मत्त फिरै जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पाव अग्नि काल जम सबय अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख दस बरती नर नारी, आय सुकर ही सकल भय भीता, नवही आये नित चरित बिनी, भुज बल विश्व वश्य करी, राख सिकोन सुतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र, देव जच्छ गंधर बनर, किन्नर नाग कुमार, जीति परी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी, सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद महाराज मेघनाद को उसने, मेघ की गर्जना आप जानते हैं कैसी बढ़िया, तो ये मेहन प्रधान होने से बरसता है ना, इसको काम बोलते हैं तुलसीदास जी महाराज ने मेघनाद को, इंद्रजीत को, इंद्रजीत भी तो इसका नाम है ना, इंद्रजीत मेघनाद इसको बताया है कि ये काम है। सो उसको बुलाया और उसको शिक्षा दे करके उसके मन में देवताओं के प्रति खूब बैर बढ़ा दिया, क्योंकि असल में काम भोग ज्यादा करने से इंद्रियों का नाश ही होता है, इंद्रियों की वृद्धि नहीं होती, वो तो फिर अयोग्य हो जाते हैं का। इसके लिए इंद्रिय की शक्ति बढ़े, भगवान में लगे, इसके लिए नियंत्रण की, धर्म की आवश्यकता होती है। अब उसके मन में इंद्रियों के प्रति, देवताओं के प्रति बैर बढ़ा दिया। और महाराज जो बड़े बड़े धीर और बलवान देवता थे ना, और जिनको लड़ने का अभिमान था, तो जा करके माने इंद्र को भी जा करके जीत करके और बांध करके वो ले आया महाराज। हाथ के देवता इंद्र है ना, कर्म के देवता, सो वो तो काम के बस में हो ही जाते हैं, जैसी कामना होती है उसके अनुसार कर्म होने लगता है। अब धर्म की आज्ञा कौन माने महाराज, और उसने अपने पिता के अनुशासन को कंधे पर ले करके और सबको बांध लिया, और इस प्रकार सबको आज्ञा दे दी रावण ने, और वो स्वयं भी गदा हाथ में लेकर के विचरण करने लगा। जिस समय वो चले महाराज, चलत दशानन डोलत अवनी, माने जब खरभर पड़ जाती थी ना दुनिया में, लोग भागने लगते थे। अवनी का मतलब ये नहीं होता कि सारी धरती हिलती है, भूकंप आता है, ये मतलब नहीं होता। पृथ्वी में रहने वाले लोग जो हैं, जैसे हमारे यहाँ जब कोई नेता बोलता है ना, ये भारत बोलता है, ये भारतवर्ष की राय है, तो उसका अर्थ ये थोड़े कि भूगोल बोलता है, उसका अर्थ यही है ना कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं, भारत माता बोलती है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो भारत माता की मूर्ति बनाते हैं तो बोलती है, भारत में रहने वाले लोग बोलते हैं।
इसी प्रकार रावण जब किसी तरफ चलता तो वहाँ भाग दौड़ जो मच जाती ना, उसी को कहते हैं अवनी डोलती है। और गर्जत जब वो घोषणा करता, उसकी घोषणा होती तो महाराज इस डर के मारे देवियों के पेट से गर्भ गिर जाते थे। जब लोग सुनते थे कि क्रोध करके रावण आ रहा है, तब तो महाराज देवता लोग अपनी स्वर्ग नगरी छोड़ करके और जा करके गुफाओं में, मेरुगिरी की खोहों में जा करके बस जाते थे। अब तो दिग्पालों के लोग सूने हो गए, जहाँ जहाँ दशानन गया महाराज वहाँ कोई उसके सामने लड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये अहंकार जो है ना वो पंच तन मात्राओं से ऊपर है, का ऊपर होने के कारण उससे बने हुए जितने विषय हैं, तामस और राजस जितनी क्रियाएं हैं और सात्विक जितनी इंद्रियां और अंतःकरण हैं, वो सब रावण के बस में हो जाते हैं। अब तो बड़ा सिंहनाद किया महाराज और देवताओं को गाली दे और उनको प्रचारे और मदमत्त होकर के जगत में दौड़ता हुआ फिरे कि हमसे कोई लड़ाई करे, परंतु लड़ाई करने वाला कोई नहीं मिला महाराज। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण ये और धनेश, कुबेर, अग्नि, काल, जम जितने अधिकारी हैं, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, ये महाराज हठी के सबके सब ही के पंथई लागा, सबके पीछे पड़ गया, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो सबके पंथई लागा का अर्थ है ये जिधर जिधर जाएं उधर आगे से आ करके रावण है ना चुपके से खड़ा रहे का, अच्छा बेटा आज मिले तुम, अच्छा बच्चों आज तुमसे समझेंगे। सबके रास्ते में ये पड़ता था हो ब्रह्मा की सृष्टि में, जहां तक शरीरधारी हैं सब स्त्री पुरुष रावण के वशवर्ती हो गए, सब भयभीत होकर के उसकी आज्ञा का पालन करते थे और बड़े विनय से आकर के उसके चरणों में नमस्कार करते थे। संपूर्ण विश्व को उसने भुजबल से बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा, सब मंडलेश्वरों का, मंडलिकों का वो रावण जो है वो राजा बन गया। और अपने मंत्र से एकदम मंत्री की सलाह पर नहीं रहता था, अपनी बुद्धि से वो राज्य करता था। देवता, यक्ष, गंधर्व, नार, किन्नर, नाग कुमारी बहुत सारे उसने ब्याह किए थे महाराज, जीत जीत करके अपने बाहुबल से। सुंदर स्त्री रहे तो रावण के घर में रहे, दूसरे के पास वो रहने देने को राजी नहीं था, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ सो सब जनु पहले ही करी रहऊ, प्रथम ही जिन कहू आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो दीन्हा, देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया, जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि दे नगर गाँव पुर आग लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपन सुनियन वेद पुराना, जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुने दस सीता, आप न उठि धावे रहे न पावे, धरि सब घाले खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, देश निकास जो कहवे द पुराना, बरनिन जाय अनीत घोर निसाचर जो करही, हिंसा पर यदि प्रेम। ओम सियावर रामचंद्र की जय। इंद्रजीत को जो आज्ञा दी रावण ने, वो तो मानो सब पहले से ही उसने कर दिया होए, और भी जिन जिसको जो आज्ञा दी उसने, अब उनका चरित्र वो सुनो, ये सब के सब राक्षस बड़े पापी। असल में पापी का नाम ही राक्षस है, वो जो न अपना भला करे न दूसरे का भला करे, अपना भी नुकसान करे दूसरे का भी नुकसान करे, उसी को तो पापी बोलते हैं, देखने में बड़े भयंकर और देवताओं को दुख पहुंचाने वाले, और ये झुंड के झुंड मिलकर के उपद्रव करें और नाना रूप धारण करके माया रचें, जैसे धर्म निर्मूल होवे,
लोगों में अपने मन और इंद्रियों को रोकने की जो शक्ति है उसका नाम धर्म होता है। माने कोई किसी का पैसा देख करके है ना मन हुआ कि इसको ले लें तो रोक लिया कि नहीं लेंगे है ना। हाँ हाँ, किसी की कोई काम करने का मन हुआ बोले नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए अनुचित है ना। कोई भोग करने का मन हुआ तो रोक लिया कि नहीं ये भोग नहीं करना चाहिए। तो जो मनुष्य के अंतःकरण में अपने मन और इंद्रियों को रोकने के लिए जो धृति है ना, धृति इसको बोलते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम। मनु जी ने धर्म की गणना में सबसे पहले धृति को स्थान दिया, इसी का नाम धर्म है। तो किसी के अंदर मन और इंद्रियों को रोकने की शक्ति न रह जाए ऐसा इन असुरों ने इन राक्षसों ने प्रचार किया महाराज कि धर्म ही बिल्कुल निर्मूल हो जाए। और सब वेद के उल्टे ही करते और जहां जहां जिस जिस देश में उन्हें गाय मिले ब्राह्मण मिले सो नगर गांव पुर उसमें वो आग लगा दें कि कोई रखे ही नहीं, देवता की मूर्ति कोई न रखे, कोई गाय न रखे, कोई ब्राह्मण की पूजा न करे, जहां कहीं शुभ आचरण कहीं होवे नहीं रावण के राज्य में महाराज, और देवता ब्राह्मण गुरु इनको कोई माने नहीं, न कोई भगवान की भक्ति करे, न यज्ञ करे, न तपस्या करे, वेदांत का श्रवण मनन बिल्कुल बंद हो गया, कोई वेद पुराण महाराज स्वप्न में भी न सुने, जाप जोग विराग ताप मख यज्ञ भाग, मख भाग माने यज्ञ भाग, यज्ञ में जो ब्राह्मणों को देते हैं, अथवा यूं कहो कि जप जोग विराग तप और मख ये सब भाग गए रावण के राज्य में है ना, अथवा यज्ञ भाग ही उसका ठीक अर्थ तो है। जहां सुनता ये 10 चीज महाराज, अब इसके 20-20 तो आंख दूर दूर तक देख सके और 20-20 कान दूर दूर की बात सुने, इसका अभिप्राय है इतने विभाग थे उसके पास महाराज लोगों के चरित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए, 20-20 उसके पास खुफिया विभाग थे सुनने के लिए है ना, 20-20 उसके पास आंखें थी, ऐसे विभाग थे जो हर जगह मौजूद रख करके लोगों के बुरे काम देखे। और महाराज खुद ही उठ करके वहां पहुंच जाता था और किसी को रहने नहीं देता था, सबका विध्वंस कर देता था, ऐसा संसार आचार भ्रष्ट हो गया, धर्म का नाम कान से सुनने को